आप चीज आप लोग चीज़ों को हल्के में लोगे, आप अपने ही नुकसान में रहोगे। ये बात हम आपसे सत्र की शुरुआत में कह चुके हैं, बीच में भी हमने कई बार आपसे ये बात कही है, आप गंभीरता से न लेने की आदत डालो। तीसरा अध्याय हो गया था कि बाकी था? तो इतने सारे बच्चे बाकी अभी आए नहीं हैं, उनके ऊपर तो वो भी होगा कि समय पे से आए क्यों नहीं, उन्हें तो दो बातों के उत्तर देने पड़ेंगे। पेज नंबर 57, तीसरा अधिकार, अंतरायकरण के उदय से होने वाला दुख और उनसे निवृत्ति तथा जीव के मोह द्वारा। 10 लक्षण अपना खत्म हुआ, कौन सी तारीख को? 5 छः छः को खत्म हुआ 10 लक्षण तो? हाँ कोई बात नहीं, 6 दे 5 को खत्म हुआ और क्षमावाणी से क्या लेने देना है? ठीक है, तो कुल मिला के कितने दिन हुए? आज हो गई कितनी? 12। 6 दिन तो प्लस वैसे ही हो गए, इतना ग्रेस कहाँ होता है भाई साहब? 8 तारीख तक आना था, 8 को आना था, 8 तक आना था। अच्छा चलो, तथा जीव के मोह द्वारा दान लाभ भोग उपभोग वीर शक्ति का उत्साह उत्पन्न होता है, परंतु अंतराय के उदय से हो नहीं सकता, तब परम आकुलता होती है, सो यह दुख रूप है ही। इसका उपाय यह करता है कि जो विघ्न के बाह्य कारण सूझते हैं उन्हें दूर करने का उद्यम करता है, परंतु वह उपाय झूठा है। उपाय करने पर भी अंतराय का उदय होने से विघ्न होता देखा जाता है, अंतराय का क्षयोपशम होने पर बिना उपाय भी विघ्न नहीं होता, इसलिए विघ्नों का मूल कारण अंतराय है। तथा जैसे कुत्ते को पुरुष द्वारा मारी हुई लाठी लगी, वहाँ वह कुत्ता लाठी से वृथाई द्वेष करता है, उसी प्रकार जीव को अंतराय से निमित्त भूत किए गए बाह्य चेतन अचेतन द्रव्यों द्वारा विघ्न हुए, यह जीव उन बाह्य द्रव्यों से वृथा द्वेष करता है। अन्य द्रव्य इसे विघ्न करना चाहें और इसके ना हो, तथा अन्य द्रव्य विघ्न कराना ना चाहें और इसके हो जाएं, इसीलिए जाना जाता है कि अन्य द्रव्य का कुछ बस नहीं है, जिनका बस नहीं है उनसे किस लिए लड़ें, इसलिए यह उपाय झूठा है। तब सच्चा उपाय क्या है? मिथ्या दर्शनादिक से इच्छा द्वारा जो उत्साह उत्पन्न होता था वह सम्यक दर्शनादिक से दूर होता है, और सम्यक दर्शनादि द्वारा ही अंतराय का अनुभव घटे, तब इच्छा तो मिट जाए और शक्ति बढ़ जाए, तब वह दुख दूर होकर निराकुल सुख उत्पन्न होता है, इसलिए सम्यक दर्शनादि ही सच्चा उपाय है। ठीक है, एक घाती कर्म का पूरा प्रकरण पूरा हुआ, ज्ञानावरण दर्शनावरण मोहनी और अंतराय, इन कर्मों की क्या परिस्थिति है इसकी चर्चा हुई, अब आगे अघातीय कर्म की बात करते हैं। चलो, वेदनीय कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति, तथा वेदनीय के उदय से दुख सुख के कारणों का संयोग होता है, वहाँ कहीं तो शरीर में ही अवस्थाएं होती हैं, कहीं शरीर की अवस्था को निमित्त भूत बाह्य संयोग होते हैं, और कहीं वेदनीय कर्म के जो चारों हैं उनको आप देखेंगे ना तो सब में संयोगों के एंगल से ही बात की गई है। अघातीय कर्म तो सीधे दुख के कारण है, घातीय कर्म तो सीधे दुख के कारण है, और अघातीय कर्म उन सुख दुख के कारणों के लिए संयोग में कारण है, वे डायरेक्ट आपको सुख दुख के कारण नहीं है। ठीक है चलो, और कहीं बाहरी वस्तुओं के संयोग होते हैं, वहाँ असाता के उदय से शरीर में तो क्षुधा तृषा उच्छ्वास पीड़ा रोग इत्यादि होते हैं, तथा शरीर की अनिष्ट अवस्था को निमित्त भूत बाह्य अति शीत उष्ण पवन बंधनादिक का संयोग होता है, तथा बाह्य शत्रु कुपुत्रादिक व कुवर्णादिक सहित स्कंदों का संयोग होता है, सो मोह द्वारा इनमें अनिष्ट बुद्धि होती है, जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आवे जिससे परिणामों में महाव्याकुल होकर इन्हें दूर करना चाहे,
और जब तक वे दूर ना हो तब तक दुखी रहता है। इनके होने से तो सभी दुख मानते हैं तथा साता के उदय से शरीर में संयोग दो प्रकार के हैं, एक तो निकटवर्ती संयोग उपचरित असद्भूत नये और एक अनुपचरित असद्भूत नये। तो शरीर आदिक ये एक क्षेत्र अवगाही और स्त्री पुत्र मकान आदिक ये भिन्न क्षेत्र अवगाही, ठीक है। और दोनों के प्रति अनुकूल और प्रतिकूल दोनों का परिणमन ये आघातीय कर्मों का काम है, वेदनी कर्म का काम है, ठीक है। और उसके अनुसार उसमें सुख दुख का कारण वो मोह का उदय होएगा तो सुख दुख का कारण पड़ेगा, और मोह का उदय नहीं हो तो कैसी शरीर बना रहे उस सुख दुख का कारण नहीं होता। बाहर का संयोग कैसे ही रहे, आपको उसमें राग हो तो अच्छा घर अच्छा दिखता है, नहीं तो नहीं दिखता। मोह का उदय हो तो बुरा घर बुरा दिखता है। बुरा घर क्या माने, घर में जो चीज़ें हैं वे बुरी दिखने लगती हैं, नहीं तो वही चीज़ें अच्छी दिखने लगती हैं। चलो, तथा साता के उदय से शरीर में आरोग्यपनपना बलवानपना इत्यादि होते हैं, और शरीर की इष्ट अवस्था को निमित्तभूत बाह्य खान पान आदि का तथा सुहावने पवन आदि का संयोग होता है, तथा बाह्य मित्र सुपुत्र स्त्री किंकर हाथी घोड़ा धन धान मकान वस्त्रादि का संयोग होता है, और मोह द्वारा इनमें स्तुद्धि होती है। जब इनका उदय हो तब मोह का उदय ऐसा ही आए कि जिससे परिणामों में सुख माने, उनकी रक्षा चाहे, जब तक रहे तब तक सुख माने। सो यह सुख मानना ऐसा है जैसे कोई अनेक रोगों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी उपचार से किसी एक रोग कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है। परमार्थ से सुख है नहीं, उसी प्रकार यह जीव अपने दुखों से बहुत पीड़ित हो रहा था, उसके किसी प्रकार से किसी एक दुख की कुछ काल के लिए कुछ उपशांतता हुई, तब वह पूर्व अवस्था की अपेक्षा अपने को सुखी कहता है, परमार्थ से सुखी है नहीं। तथा इसके असाता का उदय होने पर जो हो उससे तो दुख भाषित होता है, इसलिए उसे दूर करने का उपाय करता है, और साता के उदय होने पर जो हो उससे सुख भाषित होता है इसलिए उसे रखने का उपाय करता है, परंतु यह उपाय झूठा है। ठीक है, साता के उदय में जो अनुकूलता हुई उसको रखने की इच्छा है, और साता के उदय में जो प्रतिकूलता हुई उसको हटाने की इच्छा, ये दोनों मूर्खता है। प्रथम तो इसके उपाय के अधीन नहीं है, वेदनीय कर्म के उदय के अधीन है। असाता को मिटाने और साता को प्राप्त करने के अर्थ तो सभी का यत्न रहता है, परंतु किसी को थोड़ा यत्न करने पर भी अथवा ना करने पर भी सिद्धि हो जाए, किसी को बहुत यत्न करने पर भी सिद्धि नहीं हो, इसलिए जाना जाता है कि इसका उपाय इसके अधीन नहीं है। तथा कदाचित उपाय भी करे और वैसा भी उदय आए तो थोड़े काल तक किंचित किसी प्रकार की असाता का कारण मिटे और साता का कारण हो, वहाँ भी मोह के सद्भाव से उनको भोगने की इच्छा से आकुलित होता है। एक भोग्य वस्तु को भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिलती तब तक तो उसकी इच्छा से आकुल होता है, और जब वह मिली उसी समय अन्य को भोगने की इच्छा हो जाती है तब उसे आकुल होता है। जैसे किसी को स्वाद लेने की इच्छा हुई थी, उसका आस्वाद जिस समय हुआ उसी समय अन्य वस्तु का स्वाद लेने की तथा स्पर्शनादि की इच्छा उत्पन्न होती है। अथवा एक ही वस्तु को पहले अन्य प्रकार भोगने की इच्छा हो, जब तक वह नहीं मिले तब तक उसकी आकुलता रहे, और वह भोग हुआ उसी समय अन्य प्रकार से भोगने की इच्छा हो जाती है, जैसे स्त्री को देखना चाहता है तथा जिस समय अवलोकन हुआ उसी समय रमण करने की इच्छा होती है, तथा ऐसे भोग भोगते हुए भी उनके अन्य उपाय करने की आकुलता होती है तो उन्हें छोड़कर अन्य उपाय करने में लग जाता है, वहाँ अनेक प्रकार की आकुलता होती है। देखो, एक धन का उपाय करने में व्यापार आदि करते हुए तथा उसकी रक्षा करने में सावधानी करते हुए कितनी आकुलता होती है, तथा क्षुधा तृषा शीत उष्ण मल श्लेष मातिक असाता का उदय आता ही रहे, उसके निराकरण से सुख माने, सुख कहे काहे का सुख है, यह तो रोग का प्रतिकार है। जब तक क्षुधाधिक रहे तब तक उनको मिटाने की इच्छा से आकुलता होती है, वह मिटे तब कोई अन्य इच्छा उत्पन्न हो उसकी आकुलता होती है, और फिर क्षुधाधिक हो तब उनकी आकुलता हो जाती है। इस प्रकार उसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, वहाँ भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए दुख ही रहता है। ठीक है, इसमें ऐसी कोई टेक्निकल बात नहीं है जिसमें अपन को समझने में कोई कठिनाई हो, ये सिर्फ क्या बोलना चाहिए विवेचन का विषय है, तो आप इसमें व्याख्या जितनी करना चाहो उतनी व्याख्या आप कर सकते हो। चलो, तथा ऐसे भी रहना हो, इस प्रकार इसके उपाय करते हुए कदाचित असाता मिटकर साता हो, वहाँ भी आकुलता बनी ही रहती है, इसलिए दुख ही रहता है। तथा ऐसे भी रहना हो, रहना तो होता नहीं है, उपाय करते करते ही अपने को असाता का उदय ऐसा आए कि
उसका कुछ उपाय बन नहीं सके और उसकी पीड़ा हो तो सही ना जाए, तब उसकी आकुलता से विह्वल हो जाए, वहाँ महादुखी होता है। सो इस संसार में साता का उदय तो किसी पुण्य के उदय से किसी के कदाचित ही पाया जाता है। बहुत जीव के बहुत काल असाता का ही उदय रहता है, इसलिए उपाय करता है वे झूठे हैं अथवा बाह्य सामग्री से सुख दुख मानते हैं, सो ही भ्रम है। सुख दुख तो साता असाता के उदय होने पर मोह के निमित्त से होते हैं, ऐसा प्रत्यक्ष देखने में आता है। लक्ष्य धन के धनी को सहस्त्र धन का व्यय हुआ तब वह तो दुखी है, और सद धन के धनी को सहस्त्र धन हुआ तब वह सुख मानता है। बाह्य सामग्री तो उसके इससे 99 गुनी है, अथवा लक्ष्य धन के धनी को अधिक धन की इच्छा है तो वह दुखी है, और सद धन के धनी को संतोष है तो वह सुखी है। तथा माने चीजें क्या हैं, इससे सुख दुख का संबंध नहीं है, तुम्हारी तृष्णा कितनी है, सुख दुख का संबंध इससे है। कोई लखपति था, वो 1000 रुपये खर्च हो गए तो उसको बड़ा दुख होता है, यार 1000 रुपये खर्च हो गए, अरे 99,000 रखे थे तेरे पास, उसको नहीं गिनता। और कोई इसका 100 रुपये थे, उसको 1000 मिल गए तो उसको बड़ा सुख हो जाता है, 1000 मिल गए क्यों, तो कायवा से सुख दुख हो गया। सुख दुख तो उसकी इच्छा की पैमाने पे हो गया, उसको 1,00,000 रुपये चाहिए थे और 1000 रुपये खर्च हो गए तो उसको दुखी हो गया, और उसको 100 रुपया चाहिए तो 1000 मिल गए। तो अगर संयोग देखे जाए तो संयोग तो उसके पास ज़्यादा थे, इसके पास तो 1000 रुपये थे, उसका तो 99,000 है, तो भी सुख दुख काय वास्ते हुआ, सुख दुख अपनी तृष्णा से। चलो, तथा समान वस्तु मिलने पर कोई सुख मानता है कोई दुख मानता है, जैसे किसी को मोटे वस्त्र का मिलना दुखकारी होता है, किसी को सुखकारी होता है। तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा वह बाह्य इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता है। इसलिए अपन प्रत्यक्ष ही देखते हैं ना रोज, कि एक से संयोग सबके लिए बने, एक से संयोग सबके लिए बनने के बावजूद भी सबको एक सा दुख नहीं होता। कोई सब्जी ऐसी बनी जो पसंद नहीं है, हैं करेले की सबसे बढ़िया बनती, और कोई सब्जी ऐसी बनी जो पसंद नहीं है, लेकिन नापसंदगी के बावजूद भी सबका दुख एक सा होता है क्या? एक लड़का अरुचिपूर्वक पूरा ही खाना खा लेता है, एक दो रोटी खा के उठ जाता है, एक पूछ ही लेता है कि बना का है, वो भोजनालय में शक्ल नहीं दिखाता, तो होता है कि नहीं? तो चीज़ तो एक सी है, उसमें दुख का पैमाना सबके लिए अलग अलग हो जाता है कि नहीं हो जाता है? चलो, किसी को सुखकारी होता है तथा शरीर में क्षुधा आदि पीड़ा हुआ इष्ट बाह्य इष्ट का वियोग अनिष्ट का संयोग होने पर किसी को बहुत दुख होता है, किसी को थोड़ा होता है, किसी को नहीं होता है। इसलिए सामग्री के आदि सुख दुख नहीं है, साता असाता का उदय होने पर मोह के परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं। यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही है, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है और पीड़ा ना होने पर सुखी होता है, यह तो शरीर की अवस्था के अधीन सुख दुख भाषित होते हैं। प्रश्न समझ में आया? वे कह रहे हैं कि संयोगों के संदर्भ में तो आप कदाचित ये बात कहो कि संयोगों से सुख दुख का लेना देना नहीं है, आपकी कषाय के परिणाम के आधार से उनका सुख दुख देखा जाता है, लेकिन शरीर में ऐसा नहीं है। शरीर का प्रतिकूल परिणमन हो तो सबको दुख होता है, और अनुकूल परिणमन हो तो सबको सुख होता है। अभी सबके सर में दर्द हो जाए तो कौन पढ़ने बैठने वाला है, पेट में मरोड़ हो जाए तो कौन शांति से प्रवचन सुनेगा। इसलिए शरीर में तो ये कहो कि संयोगों से दुख है, बाहर के संयोगों को तो आप ये कहो कि आपकी कसाय के परिणाम के अनुसार सुख दुख है, वस्तु के अनुसार नहीं है, लेकिन इसमें तो आप ये कहो कि वस्तु से ही सुख दुख है। क्यों? कोई का हाथ टूट जाए तो उसको बहुत वेदना होती है, तो इसमें आप ऐसा नहीं कहो कि उसको कसाय कम है कि ज़्यादा है, ये तो टूट गया तो दुख होना ही होना है। इसलिए यहाँ तो ये कहो कि शरीर के प्रतिकूल परिणमन या अनुकूल परिणमन से सुख दुख होता है। उत्तर सुनो, पहले प्रश्न पढ़ना फिर उत्तर पढ़ना। यहाँ प्रश्न है कि बाह्य सामग्री का तो तुम कहते हो वैसा ही है, ठीक है, वैसा ही है माने कि बाह्य सामग्री के आधार से सुख दुख नहीं, जो ऊपर उपसंहार पड़ा था ना, इसलिए सामग्री के अधीन सुख दुख नहीं है। साता होता असाता का उदय होने पर मोह के परिणमन के निमित्त से ही सुख दुख मानते हैं, ये बाह्य सामग्री के संदर्भ में तो ठीक है, लेकिन पढ़ो, परंतु शरीर में तो पीड़ा होने पर दुखी होता ही है और पीड़ा ना होने पर सुखी होता है, यह तो शरीर की अवस्था के ही अधीन सुख दुख भाषित होते हैं। ठीक है, इसलिए शरीर में आप ये बात मत लागू करो, शरीर में तो आप ये कहो कि शरीर का जैसा परिणमन होता है वैसा सुख दुख देखा जाता है। चलो, समाधान,
आत्मा का तो ज्ञान इंद्रियाधीन है और इंद्रियां शरीर का अंग हैं, इसीलिए इसमें जो अवस्था हो उसे जानने रूप ज्ञान परिणमित होता है। उसके साथ ही मोह भाव हो, उससे शरीर की अवस्था द्वारा सुख दुख विशेष जाना जाता है। दो बातों को बिल्कुल अलग रखना, एक कषाय और एक ज्ञान। शरीर का इंद्रियों के द्वारा कषाय का परिणाम भी देखा जाता है और जानने का परिणाम भी देखा जाता है। उन्हीं चीजों से, उसी से ज्ञान हुआ, उसी से कषाय है भाई। वही ज्ञान समझ लो, वही ज्ञान से वस्तु जानी जाती है और वहीं उसी इंद्रिय के माध्यम से जो ज्ञान हुआ उसमें कषाय हो तो राग द्वेष होता है। तो ज्ञान माने इंद्रियों का ज्ञानात्मक एंगल और कषाय का एंगल, ये दोनों एंगल अलग अलग रखना। चलो, तथा पुत्र धनाधिक से अधिक मोह हो तो अपने शरीर का कष्ट सहे, उसका थोड़ा सुख माने और उनको दुख होने पर अथवा उनका संयोग मिटने पर बहुत दुख माने। और मुनि हैं, वे तो शरीर को पीड़ा होने पर भी कुछ दुख नहीं मानते, इसलिए सुख दुख का मानना तो मोही के अधीन है और मोह के और वेदनी के निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इसलिए साता असाता के उदय से सुख दुख का होना भाषित होता है। तथा मुख्यतः कितनी ही सामग्री साता के उदय से होती है, कितनी ही असाता के उदय से होती है, इसलिए सामग्रियों से सुख दुख भाषित होते हैं, परंतु निर्धार करने पर मोही से सुख दुख का मानना होता है। निर्धार करने से माने विचार करने पर, निर्णय करने पर सामग्री की बजाय मोह के उदय से ही सुख दुख दिखाई देते हैं। औरों के द्वारा सुख दुख होने का नियम नहीं है, केवली के साता साता का उदय भी है और सुख दुख के कारण सामग्री का संयोग भी है, परंतु मोह के अभाव से किंचित मात्र भी सुख दुख नहीं होता है, इसलिए सुख दुख को मोह जनित ही मानना। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का या होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे, स्वयं उपाय झूठा है। माने इन्होंने शिष्य ने तो सामग्री और शरीर में फर्क किया था कि सामग्री में तो बाह्य सामग्री को छोड़ दो, पर शरीर में तो कहो कि उसका प्रतिकूल परिणाम से दुख होता है, और इन्होंने टोटल मंजी ने उसको एक ही खाते में डाला कि चाहे वह सामग्री हो चाहे शरीर हो, वे सब परद्रव्य हैं, इसलिए उनका परिणमन वो सुख दुख में कारण नहीं है। मोह का उदय हो तो सुख दुख में कारण है और मोह का उदय ना हो तो सुख दुख में कारण नहीं है। चलो, तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादिक से भ्रम दूर हो, तब सामग्री से सुख दुख भाषित नहीं होता, अपने परिणाम ही से भाषित होता है। तथा यथार्थ विचार के अभ्यास द्वारा अपने परिणाम जैसे सामग्री के निमित्त से सुखी दुखी ना हो वैसे साधन करे, तथा सम्यक दर्शनादिक की भावना से ही मोह बंद हो जाए, तब ऐसी दशा हो जाएगी अनेक कारण मिलने पर भी अपने को सुख दुख नहीं होता, तब एक शांत दशा रूप निराकुल होकर सच्चे सुख का अनुभव करता है और तब सर्व दुख मिटकर सुखी होता है, यह सच्चा उपाय है। बैठो, नेक्स्ट। ये सच्चा उपाय सब में एक सा है, माने जो पीछे पढ़ के आए उसमें भी यही कंटिन्यू यही बात चलेगी और आगे भी जो चलेगी सब में यही पैराग्राफ लगभग एक सा चलेगा, यही एंगल है। दुख ही दुख है इसमें तो। आयु कर्म के उदय से होने वाला दुख और उनसे उससे निवृत्ति, तथा आयु कर्म के निमित्त से पर्याय का धारण करना सो जीवितव्य है और पर्याय का छूटना सो मरण है। ये चाहो तो आप परिभाषाओं के रूप में अंडरलाइन कर सकते हो। यह जीव मिथ्या दर्शनादिक से पर्याय ही को अपने रूप अनुभव करता है। मैं फिर कहता हूँ, ये जो चीजें हैं ना, ये सब वास्तव में प्रवचन की जैसी विषय हैं। अब आप है ना, पर्याय का छूटना सो मरण है, कौन समझता है इस बात को? पर्याय का छूटना मरण है कम मानते हैं, तो पर्याय के छूटने से किसको दुख होता? पर्याय तो प्रति समय छूट रही कि नहीं छूट रही? पर्याय किसे कहते हैं? वर्णमन को, है ना? और वो कितनी, उसकी उम्र कितनी? फिर तो ऐसा अगर गिनो तो प्रति समय जीवन मरण हो रहा है, उसको तो कोई नहीं देखता, लेकिन ये आसमान जाति स्थूल पर्याय है, ये 60-70 साल में जाती है तो हाय राम सब कुछ लुट गया, का हुआ? जैसे वो एक समय पर्याय जा रही थी, वो आ रही थी, उससे तुम्हारे अस्तित्व पर रचमात फर्क नहीं था, ऐसे इसमें है फर्क का पड़ा, संयोग ही तो बदले और का हुआ, लेकिन उसको वो मरण गिनता है और उसमें ऐसा समझता है कि मेरे अस्तित्व का नाश होगा, मेरे सब कुछ लुट गया, और इसमें उसको कुछ विकल्प नहीं आता। तो
तो काय बात का दुख है, ये अपनेपन का ही तो दुख है। अपनेपन का विचार ना हो तो फिर काय का दुख है, अरे यार इतना बढ़िया संयोग है, इतना बढ़िया घर है, इतना बढ़िया मकान है, ये सब छोड़ के जाना पड़ेगा। देवताओं को जो कहते हैं ना, वो मरण के 6 महीने पहले से समझ लो माला मुरझाने लगी, तो उनके चित्त में जो इतनी आकुलता हुई, काय बात की आकुलता है, ये इतने अच्छे संयोग छूट जाएंगे और इससे बुरे संयोगों में जाएंगे, इसके अलावा काय का दुख है। तो वहाँ ये चीज़ भूल गए ना कि पर्याय का छूटना सो मरण है, पर्याय बदली बस, और पर्याय तो नित्य परिणामशील है, वो अगले समय रोकना चाहो तो नहीं रोक सकता कोई, तो फिर काय बात का दुख है। और वो तो मैं कहता हूँ, जिस समय पर्याय पैदा हुई थी उसी समय अपने मरण समय को लेके पैदा हुई थी कि नहीं हुई थी, आयुकर्म के निमित्त से थी ना, तो जब आयुकर्म स्टार्ट हुआ उसी समय नकीने था इसकी स्थिति काल कितना है, तुम्हें पता नहीं था, बस इतनी तो बात है और का है। अवधि गानी मुनिदास से कोई पूछता तो ये नहीं बताते कि कितने साल इनकी स्थिति है, 40 साल है कि 60 साल है कि 100 साल है, पक्का है ना। फिर तो काय बात का दुख है एकत्व का, इस पर्याय में अपने ममत्व का यही तो दुख है कि इतने बढ़िया संयोग हैं अभी छूट जाएंगे। तो किसके संयोग हैं जी, तो कौन है, कौन सी चीज़ तुम्हारे साथ मिल गई। अब फिर आप इसको आप इस एंगल से विस्तार करो तो आपके जितना बोलना होता बोलो। चलो, इसलिए जीवितव्य रहने पर अपना अस्तित्व मानता है और मरण होने पर अपना अभाव होना मानता है, इसलिए उसको मरण भय है, माने मरने से मैं नहीं मरूंगा, मेरा कुछ नहीं बिगड़ेगा, तो काय का भय है, नहीं मरूंगा तो मैं खत्म हो जाऊंगा, मेरा अस्तित्व मिट जाएगा, सो भय है। और ये भरोसा हो कि मरण होने से मेरा अस्तित्व नहीं मिटता, पर्याय चली जाती है लेकिन मैं नहीं जाता, तो फिर मरण भय नहीं होगा ज्ञानी को, क्या है यही तो है, वो मरण भय काय वास्ते जीतते हैं, है ना, उस समय सारे के निर्जराधिकार में ही है ना, वो सम्यक दृष्टि के साथ भय के वे कलश, उन सब कलशों की थीम क्या है, यही तो थीम है कि वो इस वास्ते निसंक है कि वस्तु कभी बदलती नहीं, वस्तु नित्य है, वस्तु अवस्थित है, इसलिए उसको उसमें ना शंका होती, ना कांक्षा होती, ना विचिकित्सा होती, ना कछु होता। चलो, इसी कारण से इसे सदा काल मरण का भय रहता है, उस भय से सदा आकुलता रहती है, जिनको मरण का कारण जाने उनसे बहुत डरता है, कदाचित उनका संयोग बने तो महाविवल हो जाता है, इस प्रकार महादुखी रहता है। अभी महाविहल को अभी आप महसूस नहीं कर सकते, जो लोग थोड़े वृद्ध हो जाते हैं ना, अथवा अशक्त रोग से ग्रसित हो जाते हैं, माने होता है ना कि इसमें खींच लो जितने दिन खींचना हो पर अब बचना नहीं है, वो उनकी मानसिक चिंता का विचार करो, वो उसका नाम महाविहल हो जाते हैं, माने अपना मरण नक्की जान करके इतनी वेदना भोगते हैं। और मैं सोचता हूँ मरण में भय काय बात का है, माने मरण में दुख काय बात का है, यही है ना, ये सब चीज़ छूट जाएगी, इसका ही तो दुख है, नहीं तो का दुख है बताओ मुझे। कई बार तो ऐसा होता है कि जीने में जाना मजदूरी है, मरने में का है, सोते सोते चल गए, चल गए, मुंह खुला रह गया, प्राण निकल गए। अगर तकलीफ थी भी मान लो कदाचित उस प्रोसेस में, अब वो तो कोई बता नहीं सकता तकलीफ होती कि नहीं होती, अब वो तो राम जाने, वो तो जो बेदता है वो ही जानता है, और बेदने के बाद बताने के लिए व्यवस्था नहीं है, तो वो तकलीफ कितनी देर की, कुछ सेकंड की। और इधर मैंने जीवन को एकदम ऐसा कोई के प्रतिकूल परिस्थिति का जीवन हो, कोई को भयंकर असाध्य रोग हो, तो कितनी तकलीफ, तो भी मरना नहीं चाहता। यशपाल की एक कहानी थी जिजी विशा करके, जिजी विशा यशपाल की एक कहानी थी, हिंदी के बहुत बड़े कथाकार थे वे, बहुत खूबसूरती से उन्होंने इस बात का चित्रण किया कि आदमी कितने ही माने कीड़ों से बुरी जिंदगी हो जाए उसकी, तो अभी मरने की इच्छा नहीं रखता, माने मनुष्य की एक समझ लो खूबी कह लो कि वो कीड़ों मकोड़ों जैसी जिंदगी जिएगा, जैसे स्लम में रहेगा, रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं, पीने का ठिकाना नहीं, ओढ़ने का ठिकाना नहीं, कब बोलो वो कहानी वो उन शब्दों से ख्याल में आती है, तो अभी वो जीना चाहता है, क्यों, मर जाऊंगा तो मेरा सब कुछ लुट जाएगा, सब बर्बाद हो जाएगा,
अरे यशपाल जी माने ब्रह्मचारी अन्ना जी नहीं, ये हिंदी साहित्य के बहुत बड़े वो हुए लेखक, प्रोफेसर यशपाल हिंदी साहित्य के, उन्होंने बहुत उपन्यास भी लिखे, बहुत कहानियाँ भी लिखी। उसकी एक कहानी है जिजीविषा करके, चलो उसका उपाय कभी मिले पढ़ने को, पढ़ना उसको कहानी, आपको मजा आएगा। चलो उसका उपाय यह करता है कि मरण के कारणों को दूर रखता है अथवा स्वयं उनसे भागता है तथा औषधिक साधन करता है, किला कोट आदि बनाता है। अब ये सारी पंक्तियां ऐसी हैं कि इनको आपको जितना प्रवचन करना हो ना, मैं जानबूझ करके जबरदस्ती अपने आप को रोकता हूँ कि इस पे जितना विस्तार करना करो, ये है ना, औषधि आदि के साधन करता है, कोई बीमार आदमी को देखने जाए हर आदमी कोई ना कोई सलाह देता है और ये आँख बंद करके उसकी सलाह को फॉलो करने के लिए तैयार होता है। उस वैद्य के पास मिल जाएगी, वहाँ जाके चले जाओ, वहाँ दिखवा आओ, ऐसा दिखवा आओ, क्यों जीना चाहता है, किला कोट आदि बनाता है, कितने रस, चलो पढ़ो भाई, इत्यादि उपाय करता है। सो ये उपाय झूठे हैं, क्योंकि आयु पूर्ण होने पर तो अनेक उपाय करे, अनेक सहायक हो, तथापि मरण हो ही जाता है। वो अस्पताल जीने के सेंटर नहीं है, मरने के सेंटर है। वो गोरखपुर की अभी जो घटना हुई थी ना, उसमें डॉक्टर का स्टेटमेंट नहीं आया था कि 20-22 मौतें तो हमारे यहाँ रोज होती हैं, इट इज़ अ रूटीन कोर्स। कहाँ? अस्पताल में। मैंने जहाँ आदमी बचने जाता है वहाँ 20-22 मौतें तो वैसे ही होती हैं, ऐसे में रोज कितने आदमी मरते होंगे। तो फिर अगर अस्पताल बचाने के साधन हैं तो फिर क्यों मरते हैं? पुण्य का उदय होता है, आयु कर्म से होता है, तो सब चीज़ें अनुकूल निमित्त पड़ती हैं, और आयु कर्म नहीं बचे तो बेई चीज़ें प्रतिकूल पड़ती हैं, बेई इंजेक्शन उसको नुकसान कर जाते हैं, भी ऑपरेशन की थिएटर पे जाके के टेबल पे जाके मर जाता है और नहीं तो लौट के भी आ जाता है। क्यों? पुण्य का उदय था, आयु कर्म शेष था, तो सब प्रकार की प्रतिकूलता झेल के भी लौट के आ जाता है, और नहीं हो तो कितनी अनुकूलता हो बचता नहीं है। चलो मणि है ना, वो मणि मंत्र तंत्र वो है मरते क्या बाबूजी, जो तत्व समझता है ना उसको जीने की इच्छा मर जाती है, उसको इच्छा ही काय बात की है, वो है ना लाखों वर्षों तक जीऊँ या मृत्यु आज ही आ जाए। जिसको तत्व ज्ञान समझ में आ गया उसके चित्त में विकल्प ही नहीं है, क्यों? उसको कहीं तकलीफ ही नहीं है, हैं जब समझ में आ गया ना फिर आयु बचे या खत्म हो जाए का फर्क पड़ रहा। चलो एक समय मात्र भी जीवित नहीं रहता और जब ये, तक ये पत्थर की लकीर है, एक समय मात्र भी कोई घटा बढ़ा नहीं सकता। अब बोलो काय बात की पराधीनता और काय काल डर और काय का भय, दुनिया में दो ही चीजें तो हैं कि भय के लोग, सबकी जिंदगी इन्हीं दो चीजों पे चल रही। और अब अगर हमें इस वस्तु सिद्धांत ख्याल में आ जाए कि कोई कुछ ना कर सकता है, ना दे सकता है, ना ले सकता, तो काय का भय और काय का लोभ, कितनी स्वाधीन जिंदगी हो जाए, ये सिद्धांत समझ में नहीं आता। ऐसे कहते राई की ओट में पहाड़ जैसी चीजें हैं, समझ में आ जाए तो आनंद आ जाता है, और नहीं समझ में आए तो बस जिंदगी वही चलती रहती उसी रफ्तार से। चलो और जब तक आयु पूर्ण न हो तब तक अनेक कारण मिलो, सर्वथा मरण नहीं होता। सर्वथा मरण नहीं होता माने किसी कीमत पे, एट एनी कॉस्ट। कितना वो आदमी मारने आ जाए, वो है भूकंप में उस 22 मंजिल की वो बिल्डिंग गिर गई तो भी उसमें 3 दिन बाद ही वो लड़की जिंदा बच गई थी ना, वो 6 महीने की कितनी बच्ची, वो बच्ची जिंदा निकली, वो माँ उसके ऊपर थी, क्यों? जीवन था। सो वहाँ से माने मरने के साक्षात साधन थे, तो कुछ नहीं वो, और नहीं होता है बस निकले, ये कुपटा ही तो लगा था और का हुआ था, कछु नहीं, चले गए। क्यों भैया? आ गई थी सो चले गए, और वैसे 22 मंजिल से गिर के भी कुछ नहीं हुआ। चलो तुम्हें कहानी ही नहीं मालूम, कौन ने गई गोली से मरा है, लड़ाई की जड़ थी डंडा। चल भाई,
इसलिए उपाय करने से मरण मिटता नहीं है तथा आयु की स्थिति पूर्ण होती ही है, इसलिए मरण भी होता ही है, इसका उपाय करना झूठा ही है। तो सच्चा उपाय क्या है? सम्यक दर्शनादिक से पर्याय में अहम बुद्धि छूट जाए, स्वयं अनादि निधन चैतन्य द्रव्य है उसमें अहम बुद्धि आए, पर्याय को स्वांग समान जाने, तब मरण का भय नहीं रहता। स्वांग समान समझ गए ना? स्वांग समझते हो ना? तो पूछना चाहिए ना यार, अपन कोई सत्यनारायण कथा थोड़ी वाँच रहे। स्वांग माने जैसे होता है ना, कोई आदमी वेश बना के आता है, बहुरूपिया वेश, इसका नाम है स्वांग समान जाने। कि कभी वो थानेदार का वेश बना के आ जाता है, कभी कोई भूत का वेश बना के आ जाता है, कभी चोर का वेश बना के आ जाता है, उसे कोई नहीं डरता, सब उससे खेलते हैं। क्यों? सब जानते हैं असली नहीं है, नकली है, ऐसी जे का है। स्वांग समान जाने, पर्याय को का जाने, स्वांग समान जाने, इसे अनुकूल में हर्ष नहीं, प्रतिकूल में विषाद नहीं। क्यों? उसको तो अपने स्वरूप का आश्रय है, स्वरूप का भान है। चलो ये कई बात है, सम्यक पर्याय में अहम बुद्धि छूटे तो सम्यक दर्शन हो जाए, या सम्यक दर्शन हुआ तो पर्याय में अहम बुद्धि छूट गई, बात तो ये कही है। तत्व ज्ञान के अभ्यास से उपाय सम्यक दर्शन का उपाय का है? तुमने कहा ना सम्यक दर्शन कहाँ से आएगा? सम्यक दर्शन तत्व ज्ञान के अभ्यास से आएगा। चलो तथा सम्यक दर्शन आदि से ही सिद्ध पद प्राप्त करें तब मरण का अभाव ही होता है, इसलिए सम्यक दर्शन आदि ही सच्चे उपाय हैं। नाम कर्म के उदय से होने वाले दुख और उससे निवृत्ति। तथा नाम कर्म के उदय से गति जाति शरीर आदि उत्पन्न होते हैं, उनमें जो पुण्य के उदय से होते हैं वे तो सुख के कारण होते हैं, और जो पाप के उदय से होते हैं वे दुख के कारण होते हैं, सो यहाँ सुख मानना भ्रम है। तथा यह दुख के कारण मिटाने का और सुख के कारण होने का उपाय करता है वह झूठा है, सच्चा उपाय सम्यक दर्शन आदि है। जैसा निरूपण वेदनीय का कथन करते हुए किया वैसा यहाँ भी जानना, वेदनीय और नाम में सुख दुख के कारण पने की समानता से निरूपण की समानता जानना। गोत्र कर्म के उदय से होने वाला दुख और उससे निवृत्ति। तथा गोत्र कर्म के उदय से उच्च नीच कुल में उत्पन्न होता है, वहाँ उच्च कुल में उत्पन्न होने पर अपने को उच्चा मानता है और नीच कुल में उत्पन्न होने पर अपने को नीचा मानता है, वहाँ कुल पलटने को उपाय तो इसको भाषित नहीं होता, इसलिए जैसा कुल प्राप्त किया उसी में अपनापन मानता है, परंतु कुल की अपेक्षा ऊंचा नीचा मानना भ्रम है। कोई उच्च कुल वाला निंद्य कार्य करे तो वह नीचा हो जाए, और नीच कुल में कोई शलाघ्य कार्य करे तो वह ऊंचा हो जाए। लोवादिक से उच्च कुल वाले नीचे कुल वाले की सेवा करने लग जाते हैं। तथा कुल प्रशंसनीय तथा कुल कितने काल रहता है? पर्याय छूटने पर कुल की बदली हो जाती है, इसलिए उच्च नीचे कुल से अपने को ऊंचा नीचा मानने पर उच्च कुल वाले को नीचा होने का भय और नीच कुल वाले को प्राप्त किए हुए नीचे पने का दुख ही है। इसका सच्चा उपाय यही है कि सम्यक दर्शनादिक द्वारा उच्च नीच कुल में हर्ष विषाद न माने तथा उन्हीं से जिसकी फिर बदली नहीं होती ऐसा सबसे ऊंचा सिद्ध पद प्राप्त करता है, तब सब दुख मिट जाते हैं और सुखी होता है। ठीक है, हो गया। अब ये जो पर्याय अपेक्षा है इसकी चर्चा अपन कल करेंगे, और इसमें हम चाहेंगे कि पर्याय अपेक्षा का कल की पूरी चर्चा अपन कर लें, फिर दो दिन अपने पास बचेंगे जिसमें अपन चार प्रकार की इच्छा और ये जो मोक्ष सुख और प्राप्ति उपाय उसको करके तीसरे अध्याय को अपन तीन दिन में पूरा करें। ऐसा ऊंच कुल और नीच कुल के कारण ऐसा सीधा दुख सुख